हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द पोएम नंबर 1 फ्रॉम क्लास 9th। आज क्लास 9th की जो बुक आपकी जो पोएम है द रोड नॉट टेकन पोएम नंबर 1 है फ्रॉम बुक विहाई बुक से आपका। तो आज इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट दिस इज़ द वेरी फेमस पोएम वेरी पॉपुलर पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपके एक अमेरिकन पोइट थे। तो उनकी बहुत ही वेल नोन और वेरी फेमस पोएम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द थीम, क्या है इस पोएम का, जो पोएम का जो थीम है। तो देखिए दिस पोएम इज़ अबाउट है ना मेकिंग चॉइसेस है ना एंड टेक डिसीजंस एंड हाउ अ डिसीजन कैन चेंज है ना द लाइफ ऑफ समवन। ये जो पोएम है ये कि हम किस तरीके से एक हमारा डिसीजन, एक हमारी चॉइस जो होती है, एक जो हमारा निर्णय होता है वो कैसे किसी भी पर्सन की, शख्स की लाइफ को चेंज कर सकता है। तो इस पोएम में जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने यही बताया क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। द टू रोड्स डाइवर्ज इन द येलो बोट एंड आई सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोइट बोलते हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो बोट। तो यहाँ पर ट्रैवलर कौन है, ट्रैवलर आपका जो पोइट हैं बोलते हैं। क्या होता है कि एक है ना कि टू रोड्स डाइवर्ज इन द येलो बोट एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। वो बोलते हैं कि एक दिन अचानक जब वो रास्ते पर चल रहे होते तो क्या होता है कि उनके सामने एक ऐसा जंक्शन मीन्स होता है एक दुराहा जहाँ पर दो रोड आपके डाइवर्ज होते हैं। कह रहे कि मैं एक दिन रास्ते पे मैं एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ से क्या होता है कि जहाँ से मेरे सामने दो रोड आते हैं और कह रहे कि दोनों रोड क्या होते हैं येलो बोर्ड्स। मतलब यहाँ पे आया आपका ऑटम का सीजन था तो ना जो प्लांट्स जो ट्रीज थे रोड के किनारे उनके जो लीव्स थी वो येलो हो गई थी। तो यहाँ येलो बोर्ड्स उन लीव्स के लिए आया है। तो बोलते हैं अचानक क्या होता है कि एक दिन मेरे सामने अचानक दो रास्ते कट जाते हैं है ना और मैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ और मैं बड़ा कंफ्यूज था क्योंकि मैं एक साथ दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था मुझे है ना एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टोर करा के और क्योंकि मैं ट्रेवलर एक था, मैं एक इंसान और मेरे सामने दो रास्ते, इसलिए मैं वहाँ खड़ा हो गया क्योंकि मैं एक इंसान एक सिंगल पर्सन दोनों रास्तों पर एक साथ चलना मेरे लिए क्या था, पॉसिबल नहीं था। आगे बोलता है एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। कह रहा है कि और मैं वहाँ खड़े होकर उस दोराहे पर खड़े होकर क्या किया जंक्शन पर कि मैंने उन दोनों रास्ते को देखा जहाँ तक मेरी नज़र पड़ रही थी, नहीं जहाँ तक मेरी नज़र पड़ी क्या किया कि मैं दोनों रास्तों को देखता रहा जहाँ तक मुझे दिखाई दिए और मेरे सामने दो रास्ते थे और मैं एक सिंगल पर्सन था इसलिए है ना आई वॉज अनएबल टू ट्रेवल बोथ और इसलिए मैं क्या था कि मैं सक्षम नहीं था, मैं दोनों पर एक साथ दोनों रास्ते पर चलना मेरे लिए क्या तो पॉसिबल नहीं था। आगे बोलते हैं देन दैट टुक अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहेप द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड बॉर्न देन देम रियली अबाउट द सेम। फिर क्या बोलता है कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, कह रहा है कि तभी क्या किया कि मैंने दूसरा वाला रास्ता चूज़ किया, मैं खड़ा रहा देखता रहा तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद क्या करता हूँ फिर मैं कि मैंने फिर जो दूसरा वाला जो रास्ता था मैंने वो चूज़ किया एंड हैविंग पर हैव द बेटर क्लेम और है ना और काश इस उम्मीद में कि जो मैंने रास्ता चूज़ किया है वो रास्ता क्या है कि शायद पहले वाले से क्या होगा अच्छा होगा। यानी जो दो रास्ते थे उनमें से जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं कि वो दूसरे वाले को चूज़ करते हैं जाने के लिए और ये उम्मीद करते हैं कि शायद उन्होंने जो रास्ता चूज़ किया वो क्या है अच्छा है बेटर है। Because it was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had worn them really about the same or क्या क्यों और उन्होंने ये वाला रास्ता क्यों चूज़ किया क्योंकि ये लेस ट्रेवल था है ना क्योंकि इस पर लोग शायद कम चलते थे। अब ये कैसे मालूम किया क्योंकि ये ग्रासी था, इस पर घास थी, क्या थी इस पर घास थी, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसे थे लेकिन दूसरा वाला क्या था कि कम चलने वाला क्यों घास थी है ना। आप सबने देखा होगा ना कि जब रास्ते होते हैं जो गांव में कच्चे रास्ते होते हैं क्या होता है कि ऑटम सीजन पर वो घास उगाती है जिस पर आपके जो भी व्हीकल्स हैं या लोग जिस पर निकलते रहते हैं वो वहाँ पर क्या होता है घास पैरों से क्या होती है वो टूटती रहती है कुचलती रहती है
और जहाँ पर कोई नहीं चलता वहाँ क्या होता है, घास बड़ी बड़ी रहती है। तो उसने उसी अनुमान में क्या किया, पोइट ने कि जो सेकंड वाला था, जो लेस ट्रेवल था, जहाँ पर लोग कम चलते थे, पोइट ने क्या किया उसको चूज़ किया। और किस होप में किया कि शायद ये चूज़ किया उसको क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है। देन आगे बोलता है, एंड बोथ देम मॉर्निंग इक्वली ले लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर दैट डे एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। आई क्या बोलता है पोइट, जब उसने रास्ता चूज कर लिया सेकेंड वाला, कि सुम्बीहन देख कर के इस पर घास ग्रास इस पर उगी हुई है, इस पर लोग कम उगते हैं, कम चलते हैं सॉरी, तो आगे बोलता कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग ली इक्वली लीव्स नो स्टेप हेड एंड टॉटर बैक क्लैक, लेकिन उस सुबह क्या था, लेकिन उस सुबह दोनों एक जैसे लग रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह थी, जो ग्रास थी फ्रेश थी। तो क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि लेकिन उस सुबह क्या था कि उस सुबह मुझे दोनों रास्ते क्या लग रहे, मुझे एक जैसे लग रहे थे, सेम थे। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे एट नोइंग हाउ वी लिस्ट ऑन द वे, और कह रहा कि लेकिन जो मैंने पहला जो रास्ता छोड़ा था वो मैंने इस उम्मीद में छोड़ा था इसको, है ना, कि काश किसी और दिन मैं इस रास्ते पर चलूँगा, लेकिन एट नोइंग हाउ वे लिस्ट ऑन, लेकिन ये मुझे मालूम था, कह रहा कि एक रास्ता कहीं ना कहीं क्या होता है कि दूसरे रास्ते से लिंक करता है। मीन्स यहाँ पर कहने का मीन्स क्या, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एक बार में अगर एक रास्ता चूज़ कर लिया तो आप लौट के वहाँ दोबारा नहीं आओगे। और यहाँ पर इसका दूसरा सेंस और है, दूसरा सेंस यहाँ पर क्या है, लाइफ के बारे में। लाइफ में क्या होता है कि वॉट एवर है ना यू, है ना, वॉट एवर यू, है ना, यू टेक अ डिसीजन दैट चेंज योर लाइफ, है ना, द एक्शन दैट इज़ टेकन बाई यू इन प्रेजेंट, है ना, इट्स लीड्स योर फ्यूचर, ऐसा कहा जाता है। क्या कह रहा है कि अगर आपने एक बार अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन अगर ले लिया तो वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है, और जो अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो आप उसको नहीं बदल सकते। तो उसी सेंस में यहाँ बोला गया, कह रहा है मुझे मालूम था, ये जानते हुए है ना कि जो मैंने रास्ता चूज़ किया है उससे दूसरा रास्ता क्या होगा, पीछे छूट जाएगा, और उस पर चलना मेरे लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। जो मैंने एक चूज़ कर लिया है मुझे क्या होगा, मुझे उसी रास्ते से आगे जाना होगा। मीन्स कहने का क्या है कि ये रास्ता जहाँ मुझे ले जाएगा, तो यहाँ पर आपका एक लाइफ का दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बताया गया ना किस तरीके से इंसान क्या होता है कि इंसान की लाइफ में जो अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और जो डिसीजन आपने लिया है उसका जो भी रिजल्ट होगा, जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस होगा क्या होगा कि आपको उसी को लीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूसरा परसेप्शन राइटर ने यही बताया गया पोइट ने, कि क्या बताया गया ना कि वॉट एवर यू डू इन योर प्रेजेंट, है ना, इट्स लीड्स योर फ्यूचर, कि आप प्रेजेंट में जो करते हो, जो भी डिसीजन आप इस समय प्रेजेंट में वर्तमान में लेते हो, क्या होता है कि वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, क्या करता है, आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो जो राइट जो पोइट है वो यही बता रहा है। आगे दिया है ना, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, कह रहा है मुझे डाउट था कि शायद मैं कभी लौट के आऊँगा, मतलब यहाँ पर किसके लिए है, यहाँ पर उसका जो फर्स्ट जो उसका जो रास्ता है, जो वे है, जो उसे छोड़ दिया है, किस उम्मीद में छोड़ा उसने, उसकी होप ये है ना कि शायद वो कभी दोबारा आएगा तब वो उस रास्ते पर चलेगा, लेकिन उसने लेकिन ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा परसेप्शन, दूसरा जो सेंस है मीनिंग, वो आपका किसका, लाइफ से है, किससे है, लाइफ से, यानी अगर लाइफ में राइटर ने, यानी सपोज करो अगर आपने कोई डिसीजन एक बार ले लिया है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो वही बोला कि मुझे पक्का यकीन था कि जो रास्ता मैंने चूज़ किया है ये मुझे कहीं ना कहीं कोई मंजिल पर ले जाएगा, और वहाँ से वापस आना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो मुझे डाउट है कि दूसरा मैंने रास्ता चूज़ किया है वो मैं शायद कभी उस पर नहीं चल पाऊँगा। आगे पॉइंट बोलता कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद साय समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स ड्राइवर्स इन अ बुड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंसेस, कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद साय, साय मतलब रिलीफ, शांति से। तो पॉइंट बोलता है कि मैं ये बड़ी शांति से, बड़ी रिलीफ के साथ में बताऊँगा कि समवेयर एजेस एंड एजेस, यानी यहाँ से सालों साल बाद, कह रहा है कि यहाँ से सालों बाद, कई सालों बाद मैं एक रिलीफ के साथ बताऊंगा लोगों को, क्या बताऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ बुड एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल बाय, कह रहा है कि एक बार मेरे लाइफ में
दो रास्ते से मुझे ड्राइवर दिखाई दिए और मैंने कौन सा ट्रैवल किया जिस पर लोग कम चले थे, जो कि बहुत कम चलता था, लेस ट्रैवल था, मैंने वो वाला चूज़ किया। और आगे बोलता है एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और कह रहा है कि और उसने क्या कर दिया, उसने सारा जो डिफरेंस था वो क्या किया, बनाया। यहाँ पर मतलब लाइफ से है, क्या लाइफ से है, यहाँ पर मतलब वही है, कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो डिसीजन लेते हो क्या होता है कि वो डिसीजन सारे के सारे डिफरेंस क्या करता है आपकी लाइफ में क्रिएट करता है, और दैट मेक डिफरेंट यू फ्रॉम अदर्स। द डिसीजन दैट यू टेक इन योर लाइफ नाउ एट प्रेजेंट टाइम है ना, इट लीड्स योर लाइफ इन फ्यूचर एंड इट मेक डिफरेंट यू फ्रॉम अदर। मतलब क्या होता है इसका कहने का कि आप अपना जो भी डिसीजन लेते हो वर्तमान समय में, अभी प्रेजेंट लाइफ में क्या होता है कि यही डिसीजन आपको आपकी फ्यूचर की लाइफ को लीड करता है, यानी आपकी लाइफ फ्यूचर में कैसी होगी वो करता है, डिसाइड कौन करता है, आपका प्रेजेंट के एक्शन जो भी आप डिसीजन लेते हो। तो पोएट ने यहाँ इसी सेंस में क्या है, आप सपोज कीजिए अभी आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर अभी आप हार्ड वर्क करोगे तो क्या होगा, नॉलेज होगी, जॉब मिलेगी, और अगर अभी आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो आपके पास क्या होगा, नॉलेज नहीं होगी, हो सकता आगे की आपकी स्ट्रीट ड्रॉप हो जाए। तो वही बताया गया, कह रहा है कि हर इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम आता है, तब क्या होता है ना, ईच पर्सन हैज़ अ टाइम हैज़ अ पीरियड है ना, एट दैट टाइम ही हैज़ टू टेक अ राइट डिसीजन एंड दैट डिसीजन क्रिएट ऑल द डिफरेंसेस इन हिज और लाइफ। कह रहा है कि हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा समय आता है कि जब उसको एक सही डिसीजन लेना पड़ता है, और वो डिसीजन अगर सही नहीं है या गलत है तो क्या होता है कि यही डिसीजन उसकी लाइफ में सारा का सारा क्या करता है, डिफरेंस को क्या करता है, क्रिएट करता है अदर से। तो स्टूडेंट इसमें यही था, आई होप आपको समझ में ये पोएम आ गई होगी। और आप में से जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट एंड बाय बाय।